पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह फिलहाल पश्चिम बंगाल दौरे पर हैं। अमित शाह ने इस दौरान कहा कि बंगाल की जनता को चुनाव की जल्दी है, बंगाल की जनता को पीएम नरेंद्र मोदी पर भरोसा है। खास बातचीत में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर अत्याचार हुआ है, बंगाल की जनता को चुनाव की जल्दी है। साथ ही राजनीतिक पार्टियों से ज़्यादा बंगाल की जनता को बंगाल में सत्ता परिवर्तन की जल्दी है। अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी 2/3 बहुमत से पश्चिम बंगाल में सरकार बनाएगी। वहीं समय आने पर बंगाल चुनाव में बीजेपी का चेहरा भी सामने आ जाएगा। कोरोना के वक्त बंगाल में रैली के मुद्दे पर अमित शाह ने कहा कि मैंने रैली नहीं की, हॉल में ही बैठक की है। सड़क पर लोग आते हैं तो उसको मैं या ममता बनर्जी की सरकार भी नहीं रोक सकती है। वहीं बिहार में जारी विधानसभा चुनाव को लेकर अमित शाह ने कहा कि बिहार में हम बहुमत से सरकार बनाएंगे। अमित शाह ने कहा कि तेजस्वी यादव को बिहार का बजट पता होता तो 10 लाख जॉब का वायदा न करते। जनता जेडी के शासन के 15 साल भूली नहीं है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने से देश के लोग खुश हैं और संतुष्ट हैं। वहाँ अब विकास हो रहा है, गांव तक पानी पहुंच रहा है, हर घर में बिजली पहुंच रही है। सब काम इसी समय के दौरान हुआ है, पंचायत के चुनाव करवाए गए हैं। पिछले काफी वक्त से चीन के साथ सीमा पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। भारत की चीन के साथ मौजूदा स्थिति के सवाल पर जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा कि वर्तमान में चीन के साथ स्थिति बहुत अच्छी है, भारत की 1 इंच की भूमि पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN। जिस प्रकार से दारुण गरीबी के अंदर फंसे हुए बंगाल में मोदी सरकार ने भेजी हुई सारी सुविधाएं, मदद और बंगाल के लोगों को अपना जीवन धोरण सुधारने के लिए जिस प्रकार का आश्वासन भारत सरकार ने दिया है वो लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। मैं इसी क्षेत्र की बात कर लूं, आदिवासी बहुल एक क्षेत्र के अंदर ना आदिवासियों के लिए जो घर के पैसे भेजे हैं वो आदिवासियों तक पहुंचे हैं, ना किसानों को 6,000 रुपया मिलना चाहिए हर साल वो मिल रहा है, ना हर गरीब परिवार को 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य का सुविधा मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा। भारत सरकार की 80 से ज्यादा योजनाएं जो गरीब दलित आदिवासी और पिछड़े लोगों के लिए है उसको ममता सरकार रोक कर बैठी है। मैं ममता दीदी को बताना चाहता हूं कि आपके मन में भय है कि इन योजनाओं को रोकने से आप भारतीय जनता पार्टी को रोक लोगी तो आपकी भ्रांति है। आप एक गरीब लोगों के लिए मोदी जी ने जो 6,000 रुपया प्रति साल भेजा है वो पहुंचने दीजिए, स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचने दीजिए, शौचालय पहुंचने दीजिए, इनका घर उन तक पहुंचने दीजिए तो शायद थोड़ा बहुत भी आपके लिए सोचेंगे।